हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन फ्रॉम दी रेडियोलॉजी लीजेंड्स। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपर लिम्ब एस्ट्रोलॉजी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कार्पल बोन्स के बारे में कि उसकी मेजर फीचर्स कौन कौन सी है, वो कहाँ पे लाई करता है और उसकी इसमें कौन कौन से बोन हमारे पास लाई करता है। आइए जानते हैं उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी लिटरल मीनिंग के बारे में जानेंगे कि ये कौन सी वर्ड से उसकी ओरिजिन हुई है। कार्पल हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है। कौन सी वर्ड है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है रेस्ट। बेसिकली जो कार्पल बोन्स है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एट स्मॉल बोन्स। ये एट स्मॉल बोन्स की कम्बिनेशन है, एट स्मॉल बोन्स विच मेक द रेस्ट जॉइंट। ओके, ये हमारे पास रेस्ट जॉइंट बना लेती है। और रेस्ट जॉइंट की एंटीरियरली को अगर हम देखी जाए तो इसमें एंटीरियरली एक कनकेविटी प्रेजेंट होता है, एक कनकेविटी या ग्रु एंटीरियरली प्रेजेंट होता है और इस ग्रु को कवर कर लेती है एक लिगामेंटस बैंड। क्या कवर कर लेती है उसको? एक लिगामेंटस बैंड। और इस लिगामेंट को हम कहते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। और इस ग्रु, ये हमारे पास उसका एंटीरियरली ग्रु हो गया और इस ग्रू को कौन सराउंड करती है? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। और ग्रू और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बीच में एक पैसेज बना हुआ होता है और इस पैसेज को हम कहते हैं कार्पल टनल। और ये कार्पल टनल पैसेज प्रोवाइड करती है पर फ्लेक्सर टेंडन्स के लिए प्लस मीडियन नर्व्स के लिए। ये एक टनल का काम सरंजाम कर लेती है। इसके अलावा जब भी उसके उस पैसेज की कोई कंप्रेशन हो जाए किसी भी ट्रामा की वजह से या कोई एक्सीडेंट की वजह से, तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्पल टनल सिंड्रोम। ये भी आपको एग्जाम पॉइंट से याद रखना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कंप्रेशन ऑफ द कार्पल टनल स्कार में डिस्कार कार्पल टनल सिंड्रोम। अब हम एक ट्रिक के जरिए सारे कार्पल बोन्स की याद करने का तरीका बताएगी, एक ट्रिक के जरिए कि उसमें कौन कौन सी बोन है। इसके लिए आपको याद रखना है शी लुक टू प्रेटी ट्राई टू कैच हर। इससे आपको क्या समझ में आएगा? शीप का मतलब है स्केपाइड, लुक मीन लुनेट और टू मीन ट्राइक्वेट्रियम और प्रेटी मीन पेजिफार्म बोन, ट्राई मीन शी लुक टू प्रेटी ट्राई के पैड लूनेट ट्रैक्वेटर पेजिपम, इसका मतलब है ट्रेपीजियम और इस टू का मतलब है ट्रेपीजाइड, कैच मीन कैफिटेट एंड हर मीन हेमेट। यानी कार्पल बोन्स हमारे पास एट स्मॉल बोन्स है और इसमें कौन कौन सी बोन्स लाइक करता है? स्केफाइड लुनेट ट्राइक्वेटियम पेजीफार्म ट्रेफीजियम ट्रेफीजाइट कैपिटेट एंड हेमेट। जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो कार्पल बोन्स है वो टू रोज में अरेंज हुई होती है। एक उसका प्रॉक्सिमल रो है और दूसरा हमारे पास है डिस्टल रो। प्रॉक्सिमल मीन टुवर्ड द रेफरेंस पॉइंट एंड डिस्टल मीन अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। प्रॉक्सिमल रो में भी हमारे पास फोर बोन्स लाई करता है और डिस्टल रो में भी हमारे पास फोर बोन्स लाई करता है। अब हम जानेंगे कि प्रॉक्सिमल रो में हमारे पास कौन कौन सी बोन्स लाई करते हैं, उसकी मेजर फीचर्स कौन कौन सी है। प्रॉक्सिमल रो में हमारे पास कौन कौन सी बोन्स है? स्केफाइड लुनेट ट्राइक्वेट्रियम
पेजीपाम। इसमें जो स्केपाइड और लुनेट बोन है वो आर्टिकुलेशन करवा लेती है कार्पल आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ द रेडियस बोन्स के साथ। अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्केपाइड का मतलब क्या है। स्केपाइड ग्रीक वर्ड है, ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है विच मीन बॉड शेप। ओके, और ये प्रॉक्सिमल रो का मोस्ट लेटरल बोन है, ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट लेटरल बोन्स ऑफ दी प्रॉक्सिमल रो ऑफ दी कार्पल बोन और विच आर्टिकुलेट विद दी कार्पल आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ दी रेडियस बोन। दूसरा हमारे पास कौन सा बोन है, लोनेट बोन है विच इज़ द सेकंड लेटरल बोन ऑफ द प्रॉक्सिमल रो, और ये भी हमारे पास आर्टिकुलेशन करवा लेती है कार्पल आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ दी रेडियस बोन के साथ। और लोनेट का मतलब है मून शेप, अगर उसकी शेप को हम देखी जाए तो इसका शेप बिल्कुल मून की तरह बना हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स का लुनेट बोन। तीसरा हमारे पास है ट्राइक्वेट्रियम, ट्राइक्वेट्रियम बोन। ट्राइक्वेट्रियम भी हमारे पास ग्रीक वर्ड है, ये भी हमारे पास ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है ट्राइंगुलर शेप, क्योंकि बिल्कुल ट्राइंगल की तरह बना हुआ होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्राइक्वेट्रियम। और चौथा हमारे पास उस पर आता है पेजीपाम बोन, ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है इन ऑल द कार्पल बोन्स। ओके, और ये हमारे पास एक सिसामाइड बोन है जो कि एम्बेडेड है हमारे पास फ्लेक्सर कार्पी अनरिस मसल्स की टेंडन में, फ्लेक्सर कार्पी अनरिस मसल्स। और ये भी आपको याद रखना है जितनी भी हमारे पास सिसामाइड बोन है वो किसी न किसी मसल्स की टेंडन में एम्बेडेड होगी, तो ये पेजीपाम बोन भी हमारे पास सिसामाइड बोन है, इसलिए ये फ्लेक्सर कार्पी अनरिस मसल्स की टेंडन में एम्बेडेड है। एंड यू हैव टू रिमेम्बर इट फॉर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टल रो ऑफ दी कार्पल बोन, कि उसमें कौन सी बोन्स लाई करता है और उसकी मेजर फीचर्स कौन कौन सी हैं। अब हम जानेंगे डिस्टल रो ऑफ दी कार्पल बोन्स के बारे में, कि उसमें कौन सी बोन लाई करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करा दूँ, ये जो सीक्वेंस हमने लिखा था है दिस इज़ फ्राम लेटरल टू मीडियल, यानी लेटरल टू मीडियल आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है। अगर आप उसकी नेम याद करते हो तो या अपने मीडियल टू लेटरल याद करना या लेटरल टू मीडियल। जो सीक्वेंस या ट्रिक हमने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है दिस इज़ फॉर दी लेटरल टू मीडियल सीक्वेंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्टल रो, की डिस्टल रो आपकी कार्पल बोन में कौन सी बोन लाई करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्टल रो आपकी कार्पल बोन, और इसमें ये भी हमारे पास जो सीक्वेंस है दिस इज फॉर द लेटरल टू मीडियल सीक्वेंस, उसमें कौन कौन सी बोन लाई करता है। दिस इंक्लूड ट्रेपीजियम, ट्रेपीजाइड, कैपिटेट एंड हेमेट। और ये भी आपको याद रखना है दिस इज फॉर द लेटरल टू मीडियल सीक्वेंस, में जो मोस्ट लेटरल बोन है विच इज द ट्रेपीजियम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेपीजियम के बारे में जान लेते हैं, ये मोस्ट लेटरल बोन है इन द डिस्टल रो, और ये भी हमारे पास ग्रीक वर्ड है विच मीन्स टेबल शेप, ये इस तरह का बना हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द ट्रेपीजियम। इसके बाद जो सेकंड लेटरल बोन है वो हमारे पास है ट्रेपीजाइड, फिर हमारे पास है कैपिटेट, जो कैपिटेट है ये भी आपको याद रखना है कि ये सबसे पहले कार्पल बोन में असिपाई होता है और ये मोस्ट सेंट्रल प्लस लार्जेस्ट कार्पल बोन्स है इन ऑल द कार्पल बोन्स, और ये सबसे पहली भी सिपाही होती है। चौथा जो हमारे पास है वो हमारे पास है हेमेट बोन, और हेमेट का वर्ड भी हमारे पास ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड से विच मीन हुक शेप,
और इसकी हमारे पास इम्पोर्टेंस क्या है, ये प्लेक्सर रेटिनाकुलम की ये अटैचमेंट पॉइंट, अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करती है फॉर दी प्लेक्सर रेटिनाकुलम। ओके नाउ वी मैं स्टार्ट कॉम एक्सप्लोरेशन। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि जो हेमेट बोन है ये अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करती है पर प्लेक्सर रेटिनाकुलम, इसकी अटैचमेंट के लिए इसमें एक स्पेशल बोनी सरफेस लैंडमार्क्स प्रेजेंट होती है और इसको हम कहते हैं हेमुलस। ये भी आपको एग्जाम पॉइंट आप उसे याद रखना है। अब हम डायग्राम के जरिए कार्पल बोन्स को समझने की कोशिश करती है। ये हमारे पास है कार्पल बोन जो कि स्मार्ट बोन्स है, जिस तरह हमने डिस्कस किया इसमें जो लेटरल टू मीडियल जो सीक्वेंस हमने डिस्कस किया, अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मोस्ट लेटरली हमारे पास स्केपाइड बोन है, उसके बाद हमारे पास लूनेट बोन लाइक करता है, लूनेट बोन की जस्ट मीडियली हमारे पास लाइक करते हैं ट्राइक्वेट्रियल बोन्स, और ट्राइक्वेट्रियल बोन्स की जस्ट ऊपर हमारे पास कौन सी बोन्स है, फिजिपाम बोन जो कि उसके ऊपर शो किया गया है। इसके बाद हमारे पास डेसल रो शुरू होता है जिसमें जो मोस्ट लेटर बोन्स है वो ट्रेपीजाइट है, ट्रेपीजाइट के जो सबसे पहला बोन है मोस्ट लेटरली वो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम की जस्ट मीडियली हमारे पास शुरू होता है ट्रेपीजाइट, फिर उसके बाद है कैफिटेट और कैफिटेट की मोस्ट मीडियली हमारे पास है हेमेट जिसमें हमारे पास हेमुलस लैंडमार्क प्रेजेंट होता है। दिस ऑलवेज अबाउट द कार्पल बोन्स इट्स मेजर फीचर्स इट्स ऑल नेम्स। इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शंस।